विनोद चौधरी, आज एक्सरसाइज अपन 11.3 के एग्जांपल शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.3 के एग्जांपल। अगली एक्सरसाइज 11.3 से पहले लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7। ये 6 नंबर के अंदर इंपॉर्टेंट है। तो इस एग्जांपल में क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और उसमें सी डी का जो मध्य बिंदु एम है और बी को एम से मिलाने पर वो ए सी को एल बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये एल बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है और ए डी को और बी एम को अगर आप आगे एक्सटेंड करते हो तो वो ई बिंदु पर मिलते हैं। अब यहाँ पे जो इनको ए बी सी डी जैसे आपको लिखना है तो आप ए बी सी डी यानी इनका जो सिक्वेंस है वो सही रहना चाहिए। जैसे ए बी सी डी आप जो ए बी सी डी यहाँ लिखते हैं तो फिर सी डी ऊपर आता तो फिर सी डी यहाँ भुजा होती तो इसका मध्य बिंदु तो ऊपर की तरफ वो एक्सटेंड वाला प्रोसेस होता। तो आप सी डी को इस साइड या इस साइड लेने के लिए या तो आप सी डी इधर लिखते हो तो इधर से ए बी सी डी ऐसे शुरू करो या इधर सी डी लिखते हो तो ये ए बी सी डी ये सिक्वेंस आप सही तरीके से लगाना। उसके बाद में यहाँ पे ये जो समांतर चतुर्भुज है इसमें सी डी भुजा का मध्य बिंदु एम दिया गया है और ए डी को और बी एम को आगे बढ़ाने पर ई बिंदु पर मिलते हैं। तो सिद्ध क्या करना है, ई एल के बराबर 2 BL, तो ये दिया हुआ हो गया, ये सिद्ध करना है। यहाँ पर अपन सबसे पहले दो त्रिभुज लेते हैं ए एल ई और सी एल बी। तो कौन कौन सा ए एल ई, ये जो ऊपर वाला त्रिभुज बना हुआ है ए एल ई, तो इस त्रिभुज के ये जो नीचे छोटे वाला त्रिभुज है इसको समरूप करते हैं। तो दूसरा त्रिभुज देखो ए के कौन कौन सा वैसे बराबर है, क्योंकि 3 नंबर वाला ये जो नीचे वाला पर्सन है ये बराबर होगा, एकांतर कोण बनेंगे, और इस ई कोण के बराबर होगा ये इधर बी वाला 5 नंबर, और एल बिंदु वाले ये दोनों शीर्ष अभिमुख कोण होंगे। तो यहाँ नाम ए एल ई दिया है तो दूसरा हो जाएगा सी एल बी। ये दोनों त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में कोण जो 6 है वो 5 के बराबर है। ये कौन से कोण है, एकांतर कोण है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पूरी समांतर है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं। और अल बिंदु वाले जो दोनों कोण है ये आमने सामने के, ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ए एल ई और सी एल बी दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो गए, तो त्रिभुज ए एल ई और सी एल बी दोनों क्या हो गए, ए रूल से समरूप हो गए हैं। अब समरूप त्रिभुजों की भुजाएं हैं वो अनुपात में होती है, तो सी पी एस टी से ए एल के बटा में सी एल, दूसरा तीसरा एल ई के बटा में एल बी, पहला तीसरा ए ई के बटा में सी बी हो गया। अब यहाँ से ये जो तीनों रिजल्ट बराबर है तो इसमें अपने को जो यू आगे जो पैटर्न लेंगे उसके अकॉर्डिंग जो भुजा यूज होगी उसमें देखो यहाँ पे सिद्ध करना में ई एल और बी एल आ रहा है, तो इस एल ई को ई एल लिख दिया और ये हो गया बी एल, और ये ए ई और ये बी सी, क्योंकि दूसरा जो त्रिभुज लेंगे उसमें ए ई और बी सी आएगा, तो इसमें से अपन लास्ट वाले ये दोनों अवे लेते हैं, दूसरा और तीसरा वाला, क्योंकि तीनों ही बराबर है, तो इसमें से ये दोनों आप चाहो तो ये तीनों ही बराबर लेके इसको आप समीकरण नंबर 1 बना सकते हो। अब दो त्रिभुज कौन से लेने हैं, ये जो दो त्रिभुज बन रहे हैं क्योंकि इसमें आपको सी एम और डी एम बराबर दिया हुआ है, तो ये बराबर दिया हुआ, तो ये जो दो त्रिभुज आ रहे हैं कौन सा बी सी एम, तो बी के बराबर कौन सा होगा, ये ई वाला होगा। तो आप अगर बी एम सी नाम लेते हो तो बी के बराबर ई है, तो इधर ई एम डी त्रिभुज हो जाएगा। इन दोनों त्रिभुजों को अपने सर्वांगसम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक भुजा बराबर दी गई है। तो इसमें ये जो पूरा कोण है 3 नंबर कोण और ये इधर पूरा ये 4 के बराबर है, क्योंकि ये दोनों लाइन समांतर है, कोण हो जाएंगे एकांतर कोण है, तो ये पूरी समांतर है, ये त्रि रेखा हो गई है, तो कोण 3 के बराबर हो गया है, कोण 4 एकांतर कोण हो गया है। उसके बाद में कोण 1 और 2 कोण से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। आप ये 5 और 6 भी ले सकते थे लेकिन यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, तो ये दोनों भुजा है सी एम और डी एम और इसी पे दोनों ये बने हुए कोण है, तो कौन सा रूल लग रहा है, वो ए एस ए रूल से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, एम सी के बराबर, एम डी क्या है दिया हुआ है क्योंकि ये एम मध्य बिंदु दिया हुआ था, तो ये दोनों पार्ट इसके बराबर है। तो त्रिभुज बी एम सी सर्वांगसम त्रिभुज ई एम डी के हो गया, कौन से रूल से हो गया, एस ए एस। अब सर्वांगसम त्रिभुज तो इनके संगत भाग बराबर होंगे, तो भाई सी पी सी टी रूल लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ बी सी के बराबर क्या होगा ई डी, क्योंकि अपने पास जो पीछे है वो रिजल्ट वो बी सी से रिलेटेड है, तो आप इनमें से जो ये एक भुजा बराबर दी हुई है तो यहाँ पे बी सी के बराबर ई डी आ गया है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज है तो ए डी और बी सी भी बराबर है, तो बी सी के बराबर ई डी है और बी सी के बराबर भी ए डी है, तो इन दोनों समीकरणों से
दो या तीन से क्या हमें रिजल्ट मिलेगा कि ये तीनों ही बराबर हो जाएंगे, क्योंकि BC के बराबर DE भी है और BC के बराबर AD भी है, तो BC, AD और DE तीनों ही बराबर हो गए हैं। समीकरण नंबर बन गई अपनी चार। अब देखिए यहाँ पे जो पीछे अपने जो समीकरण नंबर एक बनाई उसमें ए और बी सी आ रहा है और ई एल और बी एल इससे रिलेटेड आपको सिद्ध करना है, तो ए ई और बी सी से संबंधित इसमें अपने को रिजल्ट लेकर आना है। तो जो पूरा ए ई है वो किन दोनों का जोड़ है, ए डी प्लस बी ई का जोड़ है, आपको यहाँ पे उसको रिप्लेसमेंट बी सी से करना है। तो ए डी भी बी सी के बराबर है तो इसकी जगह बी सी लिख दिया, डी ई भी बी सी के बराबर है तो इसकी जगह बी सी लिख दिया, तो ए बराबर आ गया दो बी सी, समीकरण नंबर हो गई पांच। अब समीकरण नंबर एक जो थी ई एल बटा में बी एल और ए बटा में बी सी, ये लिख दिया। अब समीकरण नंबर पांच से क्या है, ए के बराबर दो बी सी है तो इस ए की जगह दो बी सी लिख दिया, बटा में ये बी सी है, बी सी से बी सी कट गया तो ई एल बटा में बी एल बराबर हो गया दो बटा एक, वज्र गुणा करेंगे तो ई एल का गुणा एक से होगा, बी एल का गुणा दो से होगा, तो ई एल बराबर दो बी एल। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा नंबर की दृष्टि से, तो इसको आप ध्यान से कीजिए, लास्ट एग्जाम्पल है तो इस प्रश्नावली का ये छह नंबर में मोस्ट क्वेश्चन है।